बाथरूम में रहते हो ना पटना में कहीं भी, वहां से बाल खींच के निकाल कर रोड पे मार के दूंगा तुम्हारी। एक शख्स का आप ऑडियो कॉल दिखाते सुनाते हैं, उसमें आपको थ्रेस्ट किया जा रहा है, आपके फैमिली को भी थ्रेस्ट किया जा रहा है कि भाई आपके घर से उठा लिया जाएगा, आप जहाँ पे भी हो आपको बाल पकड़ के खींच के लिया जाएगा, क्या है वो, कौन है शख्स वो? देखिए, आज तक मैं किसी का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखी हूँ इसीलिए, और रखी भी हो तो कभी हुआ भी होगा तो मैं डिलीट कर चुकी थी ये सब मैटर के बाद, मुझे नहीं लगता था। और अगर आज ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं रहता ना तो फिर से मेरे पास कोई कुछ सबूत नहीं रहता अपने आप को प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसे थ्रेट्स कॉल, हेलो हेलो हेलो, माता सुन, मेरे बात सुन पहले, बोल लीजिए, तेरे को जो करना है ना माता सुन, जो करना है खुलाम कर, आप तेरे, मैं तो ओपन ही बोल रहा हूँ, माँ को छोड़ूंगा तेरी, मामा को भी छोड़ूंगा दूसरी के। सारा 100 बार से मतलब झुक के बात कर रहा हूँ तो तुम माता सुन मेरे को कमजोर समझ रहे हो क्या? जिस रूम में रहते हो ना पटना में कहीं भी, वहां से बाल खींच के निकाल कर रोड पे मार के दूंगा तुम्हारी। मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, ये कौन शख्स है? मैं आपको जीमेल वाला बात बताई थी, आपको फेसबुक हैक वाला बात बताई थी, उन्हीं शख्स का कॉल आता है। वो शख्स का नाम भी आपने रिवील आप करोगे या फिर कोर्ट में करोगे? मैं कोर्ट में रिवील करूंगी, मैं बार बार ये चीज़ें नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास धमकी ये सारा चीज़ें आता है। मुझे, मैं पटना में जहाँ पे रहती हूँ, मुझे रूम पर से निकाल के को बाहर में ये चीज़ें किया जाएगा मेरे फैमिली के साथ। अब ये बताइए, अगर इतना सारा टॉर्चर में सहने के बाद भी काम कर रही हूँ तभी जाके सारे लोगों को इतना प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं कुछ किया हूँ कुछ नहीं किया वो मैं जानती हूँ, और मैं बार बार सारे लोगों को वो नहीं करने जाऊंगी। अगर जो होगा मैं कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लड़ूंगी। एक बात बताइए, फिल्में जब आप साइन करते हैं उसके बाद ये मैटर लगभग ऑलमोस्ट मीडिया से ख़त्म हो चुका था, मीडिया में इस चीज़ को चर्चा नहीं हो रही थी, मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि त्रिशाकर का अगला प्रोजेक्ट क्या है, अगला क्या करने वाले, आखिरकार ये मीडियाबाजी की शुरुआत क्या नेम फेम त्रिशाकर के नाम के साथ जोड़ के फिर से कमाने की सर्जरी तो नहीं है उनकी? शायद, अगर मैं लगभग इंडस्ट्री से गायब थी इस चीज़ होने के बाद, कोई मेरे से नहीं काम करना चाह रहा था, और जो चाह भी रहा था वो डर रहे थे, आधे लोग तो, आधे क्या पूरा इंडस्ट्री मेरे से बात करना बंद कर दिया था, कुछ नहीं हो रहा था, तब क्यों कोई इंटरव्यू नहीं दिया था? मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर उस शख्स को जानना ही था, अगर चीज़ों को खंगालना ही था और लोगों को, पब्लिक को बताना ही था, तो उस टाइम क्यों इंटरव्यू नहीं दिया था? और आज अगर दिया भी है तो मैं तो फिल्म करने के पहले बहुत सारा इंटरव्यू दिया हूँ, उस टाइम क्यों नहीं इंटरव्यू दिया था, आज क्यों इंटरव्यू दे रहा है? शायद ऐसा ही चीज़ें हो सकता है। एक बात बताइए, लास्ट में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर बात का, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन लास्ट में आप क्या कहेंगे, क्या आप कोर्ट की शरण में जिस तरीके से आपने नोटिस दिखाया है, इसके बाद का अगला त्रिशाकर का क्या टारगेट? देखिए, मैं कोई फर्जी नोट नहीं दिखाई हूँ आपको, और आपको ये भी, मैं कोई डाक पोस्ट के माध्यम से या कोई चीज़ों के माध्यम से मैं खुद जाके किया हूँ, और मुझे जो भी स्टेप लेना है मैं लीगल लूँगी, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, और बार बार लोगों को जाके कान में और मैसेज में, और वो क्षमता मेरे पास अब नहीं है, मैं लोगों के पास बार बार जाके, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बार बार लोगों के पास जाके बोलूँगी नहीं कि मैं गलती नहीं किया हूँ, मेरे आई हैव अ प्रूफ, और अगर सही में भगवान अगर है, अंधा कानून होता है मुझे पता है, जहाँ पे पल्ला भारी होता है वहीं पे कानून झुक जाता है, मुझे उस चीज़ से, लेकिन हाँ फिर भी मैं कानून का सहारा लूँगी, और मुझे पता है हमारे देश के जो भी गणतंत्र है, जो भी आईन है, वो शायद काम आए मेरा, और सबसे बड़ा चीज़ मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, और जो सच है वो तो सामने आना ही है, और मैं, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हमेशा लड़ूँगी, और मैं बार बार ये चीज़ें, मैं ये इंटरव्यू में पैसा पाने के लिए, और इंटरव्यू गॉसिप न्यूज़ बनाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, कभी भी कोई इंटरव्यू वाला बोल दे कि त्रिशाकर मधु को मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ, तो उस दिन के बाद मैं यही इंडस्ट्री खुलेआम बोल रही हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, अगर कोई बोल दे कि मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ और इंटरव्यू किया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उन बातों को, आने वाले की बात कर लेते हैं, अगला धमाका त्रिशाकर का क्या होने वाला है? ठीक है।
अगला धमाका तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस लाइव तो धमाका ही धमाका हो रहा है, इतना धमाका लोग कर दे रहे तो जिसका कुछ आता पता ही नहीं चला। बस इतना ही बोलूंगी कि आप लोग प्रे कीजिए कि आप जो भी लोग मुझे गिने चुने एक दो लोग जो भी मुझे प्यार करते हैं वो बस इतना प्रे कीजिए कि सच मैं भी चाहती हूँ सामने आए और सच का हमेशा साथ दीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोली हूँ और जो भी होगा सबके सामने ही आएगा। थैंक यू सो मच। इधर करो। तो भाई ये थे त्रिशाकर जी, जिन्होंने बता दिया कि भैया सारे सवाल का जवाब दे दिया और बता दिया है कि भैया कौन मीडियाबाजी कर रहा कौन मीडियाबाजी नहीं। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।